अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं माश की दाल और अंडे। उसके लिए मैंने माश की दाल ली है आधा किलो, उसको मैंने बॉईल कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने लिया है 1 टेबल स्पून भर के लिया है। प्याज मैंने ली है 2 बड़े साइज़ की ली थी, उसको मैंने चॉप में काट लिया है। अंडे मैंने लिए हैं 5, उसको भी मैंने बॉईल कर लिया है। टमाटर मैंने लिए हैं 3 बड़े साइज़ के लिए थे, उसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। मसालों में मैंने किसी भी लाल मिर्च ली है मैंने 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून चिकन पाउडर लिया है मैंने, कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1/2 टीस्पून, साबुत लाल मिर्च, कड़ी पत्ता मैंने लिया है 10 से 12 पत्ते, ज़ीरा मैंने लिया है 1/2 टीस्पून, गरम मसाला में मैंने बड़ी इलायची ली है, लौंग ली है 3 से 4, काली मिर्च मैंने ली है 10 से 12, और दालचीनी का मैंने टुकड़ा लिया है 2। लहसुन मैंने लिए हैं, उसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। हरी मिर्ची ली हैं, हरा धनिया, और हमें चाहिए होगा अदरक, तेल चाहिए होगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हम अभी एक पैन में मैंने तेल गर्म कर लिया है, इसमें मैं ये प्याज डालूँगी। इसको हम ब्राउन नहीं करेंगे, इसको लाइट पिंक की तरह फ्राई करेंगे। प्याज हमारी हो गई है, इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है हमें, ये लाइट पिंक ही चाहिए कलर। अब इसके अंदर मैं कड़ी पत्ता और गरम मसाला, जो हमारा ये सब था साबुत, ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। 1-2 मिनट हम चम्मच चलाएंगे इसके अंदर। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर के साथ ही मैं अदरक लहसुन और जो हमारा मसाला था वो सब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। मसाले मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह हम 5 से 6 मिनट भूनेंगे। अच्छी तरह हम इसको भूनेंगे मसाले को, ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह गल जाए इसके अंदर। मसाला हमारा अच्छी तरह भून चुका है, अब इसके अंदर हम दाल ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करूँगी। अब इसको मैं 10 मिनट तक कवर करके रख दूँगी, ताकि अच्छी तरह मसाला जो है वो दाल में आ जाए। देखिए दाल हमारी तैयार हो गई है। अब इसके अंदर हम ये मसाला डालेंगे, जिसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक है, इसको मैंने चॉप कर लिया था, ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और अब मैं इसके अंदर जो है अंडे ऐड कर दूंगी। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसका बाहर लगाएंगे, हम फ्राई कर लेंगे इसको। ये हमारा बाहर तैयार हो गया, अब हम इसको दाल में ऐड करेंगे। अब हम डिश आउट करेंगे। हमने डिश आउट कर लिया है, हमारी माश की दाल अंडा तैयार है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।